तेलंगाना एक्सप्रेस ने दोबारा इस्तकबाल है, चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। प्रेस क्लब के सदर अवनेश दीक्षित की क्यादत में आज लंगर परेड में सहाफियों ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा का पुतला नजर आतिश किया और मेमोरेंडम सौंपा। एडवोकेट महमूद प्राचा कानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया को मुजरिम करार देते हुए कहा, मीडिया पर बेलगाम तबसरे। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का पुतला जलाकर एहतजाज किया। इस कानपुर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी केशव अग्रवाल पांडे ने कहा कि महमूद प्राचा ने जिस तरह मीडिया को नीचा दिखाने का काम किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। मेमोरेंडम के जरिए हमने कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर महमूद प्राचा दोबारा कानपुर आते हैं तो उन्हें सिया गुब्बारे दिखाकर एहतजाज किया जाएगा। मशरकी वरंगल के रुकन असेंबली नरेंद्र ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने दशहरा बतकम्मा त्यौहार के निकात के लिए साड़ियां तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। ग्रेटर वरंगल 41वीं डिवीजन में बतकम्मा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गरीब को इस त्यौहार में शामिल करने के लिए बेड़ा उठाया है। मुकामी कॉरपोरेटर पोशाला पद्मस्वामी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और खिताब किया। रियासत तेलंगाना में जमाने कदीम से जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला दशहरा त्यौहार के जिम्मन में खवातीन और लड़कियों की जानिब से खेले जाने वाले रिवायती खेल बतकम्मा का झलक असेंबली जनगांव में शामिल नरमटा मॉडल स्कूल में जोशो खरोश के साथ इनका अमल में आया, जिसमें मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने बजात खुद खवातीन की हमरा खेल में हिस्सा लेते हुए हौसला अफजाई की और कहा कि देही और रिवायती खेलों के इनका से मुकामी अवाम में दोस्ताना ताल्लुक गहरे और आपसी क़ुव्वत व मिलाप में इजाफा होता है। उन्होंने पुरजोश अंदाज में खेलने वाले लड़कियों और ख़वातीन की हौसला अफजाई की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक सिर्फ एक मजहब के लिए महदूद नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए है और अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना नासिर मुजाहिरी सदर जमीयत उलमा महबूबनगर ने अलमास फंक्शन हॉल में जलसे मौजूदा हालात में सीरत मुहसिन इंसानियत का पैगाम के पोस्टर के रस्म इजरा के मौके पर किया। मौलाना ने मजीद कहा कि जमीयत उलमा महबूबनगर के अहतमाम 1 अक्टूबर 4 रबीउल अव्वल बरोज हफ्ता बवक्त बाद नमाज मगरिब बमुकाम अलमास फंक्शन हॉल में जलसा बउनवान मौजूदा हालात में सीरत मुहसिन इंसानियत का पैगाम मुनक्किद होगा। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही अमीर मिल्लत इस्लामिया करेंगे, जबकि बतौर मेहमान खुसी अल्लामा मौलाना हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी मोहतमिम जाम कासमिया से शाही मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अलावा मौलाना गयासुद्दीन मौलाना महमूद जुबैर और दीगर बैन रियासती उलमा शिरकत करेंगे। इस मौके पर दीगर मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन मौलाना अब्दुल क्यूम अतीक मौलाना खालिद रिशादी मोहम्मद हनीफ अहमद मोहम्मद हाजी सलीम एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल ने भी आवाम से इस शिरकत की अपील की है। मोती झील पर रियासत भर के अजला की मशहूर मसनूआत को एक साथ देखें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत 50 अजला के खसूसी मसनूआत को इकट्ठा करने वाला ODOP मेला जुमा को शुरू हुआ, जो 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। MSME मिनिस्टर राकेश सचिन ने अगले हफ्ते से लेदर एक्सपो का भी इफ्तिताह किया। मेले में आजमगढ़ के खसूसी सियाह मिट्टी के बर्तन, पहली बार मेले में खास तौर पर सियाह सिरामिक के बर्तनों को सराहा गया। बनारस में लकड़ी के बने खिलौने आए और बनारस की साड़ियां, मेले में पीतल की अशिया, हाथरस और अटाबा के जेवरात और हापुड़ की चादर की दस्तकारी, ईरानी कालीन 3000 से 4000 वर्ग फुट तक है। जिले जनगांव के उर्दू शोबे सहाफत मुख्तलिफ अखबारात ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों ने अपने मुफादात के तहफ्फुज़ और मसाइल की एक्सवी के लिए मोहम्मद अब्दुल माजिद साबिक रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की हिदायत पर अपने आप को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से वाबस्तगी अख्तियार करते हुए जिला सतह की शाख का क़याम मिलाया। इस मौके पर उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के साबिक कौमी सेक्रेटरी अबू मोहम्मद मोइन अथर उस्मानी की सरकर्दगी में आज मुनक़िदा तंजीमी इजलास के दौरान मुत्तफ़िका तौर पर अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान ज़ाकिर पटेल नुमाइंदा TTV जनगांव को, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन मोहम्मद अब्दुस्समद नुमाइंदा आदाब तेलंगाना स्टेशन घनपुर को, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जहीरुद्दीन अजीम नुमाइंदा इतिबाद मोहम्मद दस्तगीर मेट्रो चैनल को नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद सिराज रहनुमाय दक्कन मोहम्मद समीर अहमद खान और खाजिन के तौर पर मोहम्मद मजहर जीशान एतमाद TV को भी मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया। नीज़ मोहम्मद रियाज मोहम्मद याकूब पाशा मोहम्मद इमरान सैयद इम्तियाज अहमद मोहम्मद अब्दुल सलीम और मोहम्मद अमजद हुसैन को इत्तेफाक राय से अरकान अमला नामजद किया गया। इजलास में हल्का असेंबली जनगांव पालाकुर्ती और स्टेशन घनपुर के मुख्तलिफ मंडलों में बरसर खिदमत उर्दू सहाफियों ने शिरकत की। अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान ज़ाकिर पटेल सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले जनगांव ने इस मौके पर अपने खिताब में जिले में उर्दू सहाफियों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की बरवक्त एक्सवी के लिए अनथक जदोजहद का अज़्म ज़ाहिर किया।
उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी के हुक्म पर जुमा को आधी रात को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के कत्ल के मुलजिम बीजेपी लीडर के बेटे पलक त्रारिया के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर जहां मुनज़िम कर दिया गया, वहीं बीजेपी ने उनके वालिद और उनके चचा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साथ ही वज़ीर-ए-आला ने तमाम रिजॉर्ट्स की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस दौरान हफ्ते की सुबह अंकिता की नाश भी नहर से बरामद कर ली गई। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी कत्ल के मामले में मुलविस बीजेपी लीडर के बेटे के रिजॉर्ट पर इंतजामिया का बुलडोजर चला। रियासत के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत के बाद इंतजामिया ने आधी रात को यह कार्रवाई की। बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पलक आर्या के वनतारा रिजॉर्ट को वज़ीर-ए-आला धामी की हिदायत पर आधी रात को मुनज़्ज़म कर दिया गया। मुकामी लोगों ने भी रिजॉर्ट के बारे में शिकायत की थी। धामी के हुक्म पर मुलजिम पलकीत के ऋषिकेश में वाकई रिजॉर्ट को पूरी जिला इंतजामिया ने जुमा की आधी रात को मुनज़्ज़म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट्स को उत्तराखंड के तमाम रिजॉर्ट्स की छानबीन करने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश में असेंबली का मानसून इजलास जारी है, लेकिन इस रियासत में बरसर इख्तदार बीजेपी के दो अरकान असेंबली ने असेंबली इजलास को नजरअंदाज किया और अपने कामों में लगे रहे। बीजेपी का एक रुकन असेंबली वीडियो गेम्स खेलने में मसरूफ रहा और एक बीजेपी रुकन असेंबली ने तंबाकू का डब्बा निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। समाजवादी पार्टी जो यूपी में अहम अपोजिशन की हैसियत रखती है, इस अरकान असेंबली के इस हरकत पर तंज करते हुए ट्विटर पर वीडियो शेयर की। ये बीजेपी एमएलए असेंबली में क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट करदा एक वीडियो में महोबा के एमएलए राकेश गोस्वामी को एक टैब पर ताश का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। झांसी के एमएलए रवि शर्मा ने असेंबली में बैठकर तंबाकू चबा लिया। पार्टी जिसने इन वीडियोस को ट्विटर पर शेयर किया, वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीन के साथ अमन के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अब्बास ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन इक़दाम के मुताबिक खिते में अमन सलामती और इस्तेहकाम के उसूल के लिए फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जे के खात्मे के लिए एक बैन अल-अक़वामी मनसूबे के बारे में तफसील से बताने पर भी जोर दिया। अब्बास ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की जनरल डिबेट में अपनी जुमा की तकरीर में कहा कि वाज़ेह है कि इसराइल ने बैन अल-अक़वामी कानूनी जवाज़ की तजावीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अमन अमल में हमारा शिरकत दार न बनने का फैसला किया है। इसराइल ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए गए ओस्लो माहदे को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल दानिस्ता तौर पर अपनी पॉलिसियों के जरिए दो रियासती हल को तबाह कर रहा है। अब्बास ने कहा, लिहाजा हमारे पास अब बात करने के लिए कोई इसराइली साथी नहीं है। इस तरह इसराइल हमारे साथ अपना माहदा खत्म कर रहा है। महकमा सियाहत की जानिब से जनूबी कश्मीर में मुनक़िदा साइकिल रैली आज शिकारगाह तराल से गुजरकर इख्तिताम पजीर हुई। यह रैली 3 दिन तक जनूबी कश्मीर के कई जिलों से 300 किलोमीटर चलकर श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान कश्मीर में नए सियाहती मकामात को बढ़ावा देने के लिए वादी और बाकी हिस्सों से आए हुए साइकिल सवारों ने रैली में शिरकत करके इन मकामात का दौरा किया। एक अहदेदार के मुताबिक इस तकरीब का इनेकाद महकमा सियाहत की जानिब से करार दिए गए नए सियाहती मकामात को बढ़ावा देने की गर्ज से किया गया था। मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। ये इवेंट जो हो रहा है ये टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया है और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि साइक्लोथॉन 300 किलोमीटर इन 3 डेज। ये हमने चूज़ किया है साउथ कश्मीर टू प्रमोट टूरिज्म, साइकिल टूरिज्म इन साउथ कश्मीर। इसमें हमारे लोकल साइकिलिस्ट और बाहर के भी अराउंड 25 साइकिलिस्ट जुड़े हैं जो ये सारा साउथ कश्मीर देख रहे हैं। इसमें ये बेनिफिट है हमारा कि साइकिल्स में वी मूव स्लोली, सही टैक्सी में जाना हो तो फास्ट मूवमेंट होती है, आसपास के लोगों से इंट्रैक्शन नहीं हो पाती है। यहाँ पे वी कैन इंट्रैक्ट विद द लोकल्स एंड हार्वेस्टिंग सीजन है एप्पल्स का, पीपल आर सेइंग हार्वेस्टिंग ऑफ द एप्पल्स। उसमें और ये है कि जो बाहर के टूरिस्ट है वी कैन प्रमोट साइकिलिंग इन कश्मीर। ये कश्मीर साइक्लोथॉन 2022 हो रहा है। थर्सडे को इसे फ्लैग ऑफ जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने श्रीनगर से किया था। तो थर्सडे को हम मुख्तलिफ जो अजला हैं हमारे पुलवामा, शोपेन, कुलगाम, उनसे गुजरते हुए अहरबल में हमने रात गुजारी। उसके बाद अहरबल से वी वेंट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस ऑफ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली ऑफ बीट एंड लेसर नोन डेस्टिनेशंस, एंड फाइनली हम वेरीनाग होते हुए कोकरनाग और दक्सुम वी स्पेंड आर सेकेंड नाइट। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से निकले हैं और इस वक्त हम पहुँचे हैं शिकारगाह त्राल में, जो हमारा एक लिस्टेड डेस्टिनेशन है।
ईडी मेंबर तराल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने रटसोना गांव में हेल्थ सेंटर इमारत की बदहाली पर इंतजामिया को नशाना बनाते हुए कहा कि यह सेंटर नशाखोरों का अड्डा बन चुका है, जो कि एक संगीन मसला है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह जल्द अज जल्द इस इमारत को ठीक करके लोगों की सहूलत के लिए दस्तियाब रखे। बाद में डॉक्टर सिंह मुकामी के GBV स्कूल गए, जहां उन्होंने सहूलियात का जायजा लेकर स्कूल इंतजामिया को यकीन दहानी कराई कि वह मस्कुरा स्कूल को नई इमारत में शिफ्ट करने के लिए आला अफसरान से बात करेंगे। का जो मकसद था, जो ये कस्तूरबा गांधी हॉस्टल खोले गए थे उस वक्त, ये ST जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उनके लिए खोला गया था कि इनको जो तालीम जो होती है ST स्टूडेंट्स की, ये आधे रास्ते तालीम छोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास एवेन्यूज नहीं होते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ऑलरेडी 5 स्कूल ये हैं, त्राल में भी एक है। ये कारामुला के नाम पर असली आया है क्योंकि ST एरिया है, वहाँ बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ। लेकिन अब चूंकि बिल्डिंग तैयार है और थोड़ी सी रकूमात उसको चाहिए, जैसे फेंसिंग का इशू है और नीचे वाली बिल्डिंग, नीचे वाली खिड़कियों को ग्रिल का मामला है। इतना बड़ा कोई मामला नहीं है जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जितना हम साल की यहाँ किराया देते हैं उससे कम पैसा वहाँ पर लगेगा जो हमें ये इनाग्रेट। मैं यहाँ से जाके जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन, उनके साथ भी बात करूंगा, डायरेक्टर के नोट्स में भी लाऊंगा कि हम, और DC साहब हैं हमारे पुलवामा के, वो भी बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं इन चीज़ों में, तो उन्होंने शायद कारामुला का दौरा भी दिया मारा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हम इनको महीने डेढ़ महीने के अंदर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, हैदराबाद को 100% सीवरेज ट्रीटमेंट सिटी बनने का जल्द हासिल होगा एजाज। फतेहनगर में जेर तामीर STP का वजीर बल्दी नजमन KTR ने किया मुआयना। जहीराबाद में 6,27,00,000 रुपए के तरक्याती कामों का वजीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। 4,50,00,000 की लागत से तामीर करदा अकामती जूनियर कॉलेज का भी किया आगाज। खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के बाद 4 खवातीन की मौत। रंगारेड्डी के इब्राहिम पट्टनम में वाकई के बाद 13 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। फौजदारी मुकदमा भी दर्ज। वजीर सेहत हरीश राव ने किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए कर रही है खर्च। अमीरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज कर वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। ओपल स्टेडियम में इतवार को हिंद ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच। दोनों ममालिक की टीमों का शमसाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों का सर्वे, मुसलमानों के खिलाफ एक और कदम। मसाजिद और दीनी मदारिस को मुनहदिम करने की कार्रवाइयों की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की मजम्मत। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 19 अफराद को जेल की सजा। बढ़ते सड़क हादसात के पेश नजर पुलिस ने मुहिम में लाई तेजी। और इसराइल अब अमन के अमल में फलस्तीन का साथी नहीं रहा। सदर महमूद अब्बास ने अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।